अनगर यावली चौकात सोलापूरच्या व्यापाऱ्याचा अपघातात मृत्यू। आशिम बाबू कमलीवाले वय वर्ष 25 असे ह्या मृत व्यक्तीचे नाव आहे। सोलापूर शहरातील जवाहरनगर शास्त्रीनगर या भागात राहणारे शेळ्यांचे व्यापारी यासीन बाबूलाल कमलीवाले यांचा अनगर यावली चौकात अपघातात मृत्यू झालेला आहे। राजस्थानहून सोलापूरकडे जाणाऱ्या जीपने मोटरसायकल असणाऱ्या यासीन यांना जोरदार धडक दिली आणि 20 ते 25 फूट उंच उडून यासीन जमिनीवर पडले, त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे। यावेळी मोहोळ पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये त्यांचे वडील बाबूलाल कमलीवाले यांना शोक आवरता आला नाही। नातेवाईक पाहुण्याने मोहोळ तहसील कार्यालयात एकच गर्दी केली। मोहोळ पोलीस स्टेशनचे अपघात पथकाचे अविनाश शिंदे यांनी योग्य ती कारवाई केली। यासीन हे अविवाहित होते, त्यांचे पश्चात आई वडील भाऊ बहीण असा परिवार आहे। यासीन यांच्या अपघाती निधनामुळे त्यांच्या आई वडिलावर खूपच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे। सोलापुर से ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, ये यासीन कमली वाले ये सोलापुर से व्यापार करने के लिए इधर पर आए थे और बाजार अंगर के लिए तो बताया जाने के लिए उसके लिए उसका एक्सीडेंट हुआ, उनका मजियत हुई। और सरकार से हमारा ये कहना है कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, पूरा घर दार दुकान पूरा इसके ऊपर ही था। सरकार से हमें विनती है कि इसको बहुत गौर फिक्र से काम करे। बहुत सरकार से हम विनती करते हैं कि बच्चे का फैसला करे और ये बच्चे को न्याय दे, क्यों दे? बहुत गरीब घर का बच्चा था, इसके माँ बाप का कर्ज खाने वाले लोग हैं, ये बच्चे के ऊपर ही पूरा घर था। सरकार से हम ये विनती करते हैं, हम व्यापारी लोग हैं, सरकार से ये विनती करते हैं कि वो बच्चे को इंसाफ दिलाए और जो उड़ेले हैं उनको जो है ऊपर कार्रवाई करे। काय ती कसं तिचे आहे वडील हे सगळे गोर गरीब आहेत, करून खाणार आहेत, त्यांच्यावर काय ती कारवाई व्हावं राज्य सरकारने। आणि ती पोराचं लग्न झालं नाही, 30-31 वर्षाचं आहे ती पोरग। माझ्या सोलापूरच्या दोस्तीचा मुलगा होता, तुम्ही बाजारला आलते साईटनं निघून चालले होते, मागणं चौकड गाडीनं जी टक्कर दिली त्याने वर झाडावरच्या वर पर्यंत उडून पडले खाली जाग्यावर। गाडीची स्पीड किती असते सगळं बघितल्यावर ती कापरून गेली सगळी माणसं, एवढं बेफाम ऍक्सिडेंट आहे ती। एवढी स्पीडनं गाडी होती ती फोर व्हीलर, ती 140 स्पीडनच्या वरच असेल तर ती गाडीचं मोटरसायकल सगळं भोगा झालंय, टोटल लस झाली गाडी ती। सोलापूर से बोला अब्दुल कामले और ये जो बच्चा है मेरा भतीजा है और ये आज हमारे घर के ऊपर बहुत बड़ा पार टूट पड़ा है, तो पूरा घर हमारा दुख के निधन में है। तो बच्चे के ऊपर आज ये जो सामने ने जो उड़ा कर गया उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई कराए, सख्त सख्त कार्रवाई कराए। सोलापुर से आज जो हमारे भाई का बच्चे का इंतकाल हुआ है उसका अनुभव, ये बच्चा ही है ना देख रेख वाला था, इसी के ऊपर सारा कारोबार था, उसके पीछे कोई अपना नहीं था और उससे तो उसको उड़ा कर गए ऊपर कार्रवाई हो। 150 की स्पीड और 150 की स्पीड में लेडीज गाड़ी चला रही है, उसको लेसन है कि नहीं है उसकी इस पर इंक्वायरी करें और ये बच्चे को उसके माँ बाप को और हमें इंसाफ दिलाए, ये उम्मीद करते हैं। लाइव महाराष्ट्रासाठी सुहास जमदाडे सोलापूर, पाहत रहा लाइव महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा विकास, देशाचा विकास।